सांसदों के साथ मुख्यमंत्री ने ली बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी ने अपने सांसदों को और अधिक सक्रियता के साथ कमजोर बूथों में सशक्तिकरण अभियान में जुटने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी सांसदों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित सभी सांसद मौजूद थे। पार्टी संगठन के कार्यक्रमों में बीजेपी सांसद और अधिक सक्रियता के साथ नजर आए, इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी रूपरेखा तय की गई। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की कवायद में जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर बीजेपी का पूरा फोकस चुनाव पर है। लोकसभा का चुनाव तो स्वाभाविक रूप से सांसदों की गतिविधियां बढ़े हैं, इस दृष्टि से बैठक का बड़ा महत्वपूर्ण, हमारी वो कल की बैठक थी और मुख्य रूप से ऐसे हमने पहले ही 25-25 बूथ जो है सांसदों को दिए थे, 100 बूथ विधायकों को दिए थे, तो 25 बूथों पर कार्यक्रम और धीरे धीरे पूरे 100 के 100 बूथों पर उनका जाना हो और उस दृष्टि कार्यक्रम का निर्धारण किया गया। इसमें साथ साथ हमने भी तय किया है कि अब जो भी सांसद कार्यक्रम हो शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर उनके कार्यक्रम तय करेंगे। अभी जो वर्तमान हमारे जो कार्यक्रम बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, तो बूथ सशक्तिकरण के लिए हमने सांसदों से कहा है कि वो उन बूथों को चयन करें जहाँ वो हमारा बूथ कमजोर था। इसी प्रकार आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम 14 अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम है, तो समाज के अंदर अनेकों ऐसे प्रबुद्ध जन हैं, एडवोकेट हैं और अनुसूचित जाति से जुड़े हुए समाज के बंधु हैं, उनके साथ अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम भी हम कोशिश करेंगे सांसदगण उन्हीं बूथों पर जाए जो बूथ हमारे कमजोर थे। इसके साथ साथ 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम, मन की बात के कार्यक्रम को भी हमने सांसदों के अलग आयाम कार्यक्रम दिए, जहाँ प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री जी का मन की बात आम जनता सुनती है। इस बार हमने चरणबद्ध तरीके से कुछ कार्यक्रम तय किए हैं, खासतौर पर जैसे हरिद्वार के सांसद निशंक जी हैं, तो निशंक जी हमने कहा कि संत प्रबुद्ध मंडल रहता है हरिद्वार में, उनके साथ बैठकर मन की बात के कार्यक्रम सुना जाए। इसी प्रकार उधम सिंह नगर में हमारा, तो वहाँ पर थारू हैं, बोक्सा जनजाति की बड़ी संख्या में जो समाज रहता है, उनके बीच में बैठकर मन की बात को सुना जाए। इसी प्रकार से पूर्व सैनिक उत्तराखंड में बड़ी संख्या में है, अर्ध सैनिक है पूर्व, इन सब के साथ तीरथ सिंह जी से हमने कहा कि उनके बैठेंगे, नरेश बंसल जी यहाँ देहरादून, उनके अंदर जो हमारे वकील है प्रभु जन है, उनके साथ मन की बात को सुनेंगे। हमारी कल्पना सैनी बहन जी को हमने कहा, जो अध्याय शिक्षा क्षेत्र में अनेकों प्राध्यापक है, उनको बुलाकर रिटायर्ड अध्यापक उनके साथ बैठकर मन की बात सुने। आज से समाज के प्रत्येक वर्ग के ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर भी कार्यक्रम तय उसका मन की बात का करेंगे, तो भिन्न भिन्न समाज के वर्गों के बीच में भी मन की बात के कार्यक्रम को भव्यता स्वरूप हम दे सके उस दिशा में बात हुई। इसके साथ साथ सहकारिता के क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह है उनके बीच में भी मन की बात का कार्यक्रम हो और मन की बात के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार भी अच्छे रूप हो और प्रत्येक